हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करते हैं। आज हम आपको मैट्रिक्स के अब्यू में जो हमने कल आपको टॉपिक पढ़ाया था, आज उसके आगे हम आपको बताएंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब हो गया सममित, जिसको हिंदी बोलते हैं सममित अब्यू, और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब हो गया कि आपका विषम सममित मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्चुअल में आप कैसे जानेंगे कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको हमने कल ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स पढ़ाया था, उसके अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, आप स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बताएंगे, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेंगे और वो जो है, सपोज दैट ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप निकालेंगे तो आपको सेम मैट्रिक्स प्राप्त होगा, तो वो भी पॉजिटिव में मिलेगा, जिसको हम डिफाइंड कर सकते हैं कि ये आपका जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्चुअल में इसका डिफिनीशन यही है। और ये आप जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे इसका आप ट्रांसपोज लेंगे ए आई जे इज इक्वल टू जे आई, ठीक है ना। इसका ट्रांसपोज आप जब भी लेंगे, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसका ट्रांसपोज ये हो जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ये आप जो है डिफाइन कर सकते हैं। ये सभी आप जो है बेसिकली ये सभी एवरी आई एंड जे के संभावित मान के लिए ये सत्य होगा। जैसे ये सभी, इसका मतलब हो गया एवरी आई एंड जे, मतलब आई एंड जे के एवरी मान के लिए ये ट्रू है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, इसमें क्या करते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप निकालेंगे, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस ए। यहां से आप ये, इसको आप जो है माइनस के टर्म में ले सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सेम प्रोसेस, जैसे ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए ए जे आई, ठीक है ना, ए जे आई, इस टाइप से यहां पे माइनस आप पुट कर सकते हैं। जैसे हम आपको सपोज दैट एक क्वेश्चन है, और इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्क इसमें आता है। रिमार्क क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स जो भी इसमें, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होते हैं। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स सदैव जीरो होगा अगर वो मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब उसका जो डायगोनल का एलिमेंट्स होगा वो जीरो होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स अगर ये यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, जैसे I इज इक्वल टू J, इट मीन्स कि I और J दोनों का जो पंक्ति है और रो दोनों इक्वल हैं, तो इस कंडीशन में ए आई इज इक्वल टू माइनस ए आई देन टू ए आई इज इक्वल टू जीरो देन इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए प्रत्येक डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो सदैव जीरो होते हैं। ये आपका प्रूफ, रिमार्क में आप ये नोट रखिएगा ये सारी चीजें। अब हम बात करते हैं इन दोनों को साथ में रखते हुए, जैसे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हम फॉर्म कर रहे हैं,
स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं जिसमें हम जैसे कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं ए है, हम इसको बताते हैं, आप लोग इसको नोट रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पैटर्न, आप भी उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या है कि जैसे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहां पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बताया था, प्रत्येक जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो हाफ हाफ इसको हम कैसे फॉर्म लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस ए प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए टी लिख सकते हैं ना, इसको आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जो है ए प्लस इस टाइप से अगर आप इसको ऐड करते हैं तो आपको ए स्क्वायर मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो आपको, अगर आप इसको ऐड करें तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मिलेगा, ठीक है, ओके। दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज द इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पैटर्न, आप भी उसे इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, इस मैट्रिक्स मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सपोज दैट ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब इसका जो है अगर आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं, सपोज दैट सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज प्लस ए, अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो देखते हैं, अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है तो इसका मतलब आना क्या चाहिए, आना चाहिए सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू प्लस सी, अगर ये ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये आपको फॉर्म होना चाहिए, चूंकि डिफिनीशन से आपको लिया गया है सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी आना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो हम देखते हैं दोनों साइड आप ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज ऑफ सी हाफ ऑफ यहां पर ए ट्रांसपोज प्लस ए, यहां पे हाफ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आप लेंगे प्लस ए का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी है आप कल पढ़े हुए थे पिछली क्लास में, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि जो सी के इक्वल है, तो इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इस टाइप से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, सेम प्रोसेस, सपोज दैट डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो यहां पे डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप फाइंड आउट करेंगे, यहां पे हाफ तो आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए, ठीक, जो कि आप इसमें माइनस कॉमन लेंगे, यहां पे आप देखिए यहां पे माइनस कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, जो आपको माइनस डी यहां पे मिल जाएगा, इसका मतलब ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो है कंडीशन है डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, ये पार्ट जो है इसकी मैट्रिक्स, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपसे, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कैसे बताएंगे, एक्सप्रेस करना है, जैसे कोई मैट्रिक्स दिया गया है उसके उसको सम करेंगे सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, वो इस टाइप से आप सम करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और कैसा इसकी सिमेट्रिक है। देखिए हम जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं,
इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इसको समझे हुए हैं। जैसे एक मैट्रिक्स ए है, जिस जैसे एक मैट्रिक्स को अगर हम ए है तो उसमें हम उसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर हम सम करते हैं तो उसको हमको मतलब दिखाना है, इसी टाइप से दिखाना है कि क्या ये सत्य है। जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स। जैसे देखिए क्वेश्चन ये है, मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, यहाँ पे 2, 4, -6 and 7, 3, 5, 1, -2 and 4, ये आपका जो है 3x3 का मैट्रिक्स है। अब ये जो है मैट्रिक्स जो है सम ऑफ इसकी मैट्रिक्स, ये जो है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आप लोग भी लिखते जाइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां से आप जो है ए को आप कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, जैसे यहां पे हमने क्या बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए बताया था कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स हाफ हाफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए, एंड अभी जो आपको फार्मूले बताए थे हाफ ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए एंड प्लस ए प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यहां से आप जैसे यहां वहां पे क्या था कि कोई ए मैट्रिक्स यहां पे गिवन है तो इसमें क्या करेंगे आप ए इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेंगे और इस मैट्रिक्स को आपस में ऐड करेंगे तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप डायरेक्ट कर सकते हैं हाफ ऑफ, अब यहां पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको लिखना है तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, कॉलम को रो में बदलते हैं और रो को कॉलम में, तो इसको आप लिख सकते हैं 2, 7, 1, 4, 3, -2 and -6, 5 and 4, ये आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। प्लस हम पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे, ये यहां पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे तो इसमें क्या करेंगे कि अब ए को हम ऐड करेंगे, यहां पे ए को आप ऐड रखिए 2, 4, -6, 7, 3, 1, -2, 5 and 4, इसको आप ऐड कीजिए, डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं ऐसे, आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो हाफ ऑफ 7, 2 का 2 में ऐड करेंगे 4, 7 का 4 में ऐड करेंगे 11, -5, 11, 6, 3, -5, 3, 8, इसको आप ऐड कर लीजिए, ये वैल्यू आई। अब इसको आप कैसे बताएंगे कि ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इसका मतलब हमने क्या बताया था, कंडीशन क्या थी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक कंडीशन आपको यहाँ पे हमने बताया क्या था, ए आई जे मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू जे आई, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, इसका मतलब यहाँ पे देखिए रो और कॉलम को बदल दिया गया है तो ये पॉजिटिव में आया है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रो और कॉलम को इंटरचेंज कीजिए, जैसे देखिए 4, 11, -5, यहाँ पे 11, -5, फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे इसको चेंज किए, आप इसको इस टाइप में चेंज करेंगे तो सारी चीज़ें वही आपको प्राप्त होंगी सेम 3, 8, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, रो और कॉलम भी चेंज करने पर आपको सेम मैट्रिक्स मिल रही है, तो आप इससे ये बता सकते हैं कि ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं,
देखिए इसकी सोमेटिक मैट्रिक्स की बात हम करते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें आप जो है सेम माइनस करेंगे, इसमें से इसके ट्रांसपोज को माइनस करेंगे तो वहां पे आपको सेम इसी टाइप से आप करेंगे तो वहां पे आपको इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्म आएगा, ठीक है ना, माइनस टर्म में आ जाएगा। यहां पे देखिए अगर आप इसको करना चाहते हैं तो ए को यहां पे लिख सकते हैं फॉर इसकी सिमेट्रिक, फॉर इसक्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके लिए ये आपकी प्रॉपर्टी हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट, इसको आप लिख लीजिए दोबारा इज इक्वल टू, इसमें इसके ट्रांसपोज को आप माइनस करेंगे हाफ ऑफ टू फोर माइनस सिक्स सेवन थ्री फाइव वन माइनस टू फोर माइनस इसके ट्रांसपोज को आप ले लीजिए टू सेवन वन फोर माइनस सिक्स, यहाँ पे आप इसके ट्रांसपोज को आप लेंगे तो इस वाले पार्ट को लिखेंगे फिर सेवन थ्री फाइव एंड फिर उसके बाद इस वाले पार्ट को इस टाइप से लिख सकते हैं, फिर इसके बाद जो है माइनस टू फोर, इसके ट्रांसपोज को आप लिखते जाएंगे तो आप इसमें से माइनस करेंगे तो वो लास्ट में आपका माइनस के टर्म में आएगा, इस फॉर्म में माइनस इस टाइप में आ जाएगा तो आप बोलेंगे कि ये आपका जो है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। सेम प्रोसेस है, इसमें माइनस करना है, इसको इसमें से माइनस कीजिए, इसको इसमें से माइनस करेंगे, नहीं तो हम करके दिखाते हैं आपको। इसको माइनस करेंगे तो आप हाफ हाफ इसमें जीरो यहाँ पे आ जाएगा माइनस थ्री, ये हो जाएगा माइनस सेवन, देन थ्री जीरो देन सेवन, उसके बाद सेवन, इसको माइनस कर रहे हैं ठीक है ना, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस सेवन देन जीरो। मैंने क्या बताया था कि आपको इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो को शो करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसकी सिमेट्रिक में ये जीरो को शो करेगा, डायगोनल्स के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है इफ द मैट्रिक्स ए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप, अब इसमें दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, इसमें दिया है इफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है जीरो ए माइनस थ्री टू जीरो माइनस वन बी वन एंड जीरो, ये ऐसा मैट्रिक्स है जो इसक्यू मैट्रिक्स को शो करता है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, ये इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को शो करेगा। अब आपको मैट्रिक्स देख के पता चल रहा होगा कि ये कैसी मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यों, क्योंकि इसके जितने भी डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं, दिस इज द इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं अगर ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको डिफिनीशन पता है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ये आपको पता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अब यहां पे हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैल्यू आपको किसकी फाइंड आउट करनी, ए एंड बी की, इसकी और इसकी। इसके लिए हमको इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनीशन पता है तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेंगे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू जीरो टू बी, ए जीरो वन माइनस थ्री माइनस वन एंड जीरो, रो को कॉलम में बदल दिए, कॉलम को रो में, देन
ए की वैल्यू दिस, अब इसको हम इज इक्वल टू लिखें किसके, ए माइनस, अब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करके सेम लिख देंगे यहाँ पे, माइनस जीरो माइनस ए प्लस थ्री, चूंकि माइन सॉरी यहाँ पे ए लिखिए पहले आप, सेम ए माइनस थ्री टू जीरो माइनस वन बी वन एंड जीरो। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल हैं तो हम इस कंडीशन में देखिए दोनों के डायगोनल एलिमेंट्स जीरो, यहाँ पे देख रहे हैं ना ये। अब यहाँ से हम कंपेयर करा देंगे, ए इज इक्वल टू माइनस ए इज इक्वल टू टू, देन ए इज इक्वल टू माइनस टू, देन माइनस बी, एंड चूंकि यहाँ पे माइनस ए मतलब माइनस टू हो जाएगा तो यहाँ पे वन है ही, तो सेम प्रोसेस है, तो बी इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस थ्री आ जाएगा। तो ए एंड बी की वैल्यू आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पे देखिए इसमें ये कह रहा है कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट समझें, ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना, और सेम ऑर्डर के हैं, और हमको प्रूफ करना है, इसका मतलब ए और बी दो जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं कौन कौन, ए एंड बी मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना, और सेम ऑर्डर के हैं, किसमें हैं, सेम ऑर्डर मतलब इनकी जो ऑर्डर है वो सेम है, मतलब समान है। अगर टू क्रॉस टू के हैं, ये भी टू क्रॉस टू का होगा, ये भी टू क्रॉस टू का होगा। अब यहां पे हमको प्रूफ करना है ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे, ठीक है ना, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए, तो इन सभी का ट्रांसपोज ले लेंगे, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, तो यहां पर आ जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस सॉरी यहां पर बी ए, बी ए ट्रांसपोज, बी ए ट्रांसपोज माइनस ए बी ट्रांसपोज, ठीक। अब यहां पे हम लिखेंगे बी ए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज जी, चूंकि ये क्या है, ये दोनों जो है इंटरचेंज हो सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हैं, तो इसका मतलब बी ट्रांसपोज, और इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो ए बी यहां पे बी ए, बी ए ट्रांसपोज सॉरी बी ए, क्योंकि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना यहां पर, यहां पर आप लोग फोकस कीजिए, इसका मतलब ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इसको हम ये शो कर रहे हैं कि ये अगर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसकी वैल्यू ये माइनस में आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए ट्रांसपोज और बी, अब यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस लेंगे तो मिलेगा ए बी माइनस बी बी ए,
जो कि एक स्क्यूसमेटिक मैट्रिक्स को शो करेंगे। यहाँ पे माइनस आया है, ठीक है ना। आप नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्लास में आपको जो है इसमें, अभी इसमें देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, अभी नेक्स्ट क्लास में इसके सारे क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको जो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम बताएंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम के पैटर्न ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पे आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी, और इस एक्सरसाइज के जो आपके सारे एक्सरसाइज के जो आपके क्वेश्चन प्रॉब्लम होते हैं उसको हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। और आप अगर थ्योरी को अच्छे से नोट्स बना के अगर आप पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। बाकी जो क्वेश्चंस मैं एग्जांपल बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम के पैटर्न ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कृपया आप लोग जो है नोट्स बनाइए और उसको जो है अच्छे से लर्न कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।